हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं इंदिरा शर्मा रसोई मामी की मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके पास बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और आसान मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम पाले जी बिस्किट से बनाएंगे और ये बिना गैस जलाए बनाएंगे। तो ये चार बिस्किट के पैकेट लिए मैंने, आप देख सकते हैं। एक पैकेट मैंने खोल लिया है और ये मिक्सी का ग्राइंडर जा रहा है बीच वाला, इसमें हम ये बिस्किट इस तरह से तोड़ के डालेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। तो अभी मैं आधे ही डाल रही हूँ, आधे बिस्किट बाद में डालूँगी। दो बार मैं क्रश कर रही हूँ मैं, ताकि अच्छी तरह से पिस जाए। अच्छी तरह से इसका देखिए चूरा हो गया है और इसे अब हम छान लेंगे चलने से। मिक्सी के जार से निकाल रही हूँ मैं और मिक्सिंग बॉल में चलने के ऊपर रख दिए मैंने ये ग्राइंडर जार का पिसा हुआ बिस्किट। तो इसे हम छान लेंगे। अब दूसरा वाले बिस्किट भी डाल रही हूँ मैं और इनको भी हम ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में। तो दूसरे वाले बिस्किट को भी इस तरह से डाल के छान लेंगे। और अब हम चार चम्मच पिसी हुई शक्कर डालेंगे। ये देखिए चार चम्मच डाल दिए मिक्सी में पिसी हुई शक्कर है, और बिस्किट का मोटा मोटा जो चूरा बच जाता है चलनी में उसे मैंने अलग रख दिया था, और इसी तरह से शक्कर में भी थोड़ा सा रह जाता है मोटे दाने, तो इसे आप अलग कर लीजिए, नहीं तो हमारा डो बनाएंगे तो वो फट जाएगा। ये देखिए मोटे दाने बच गए हैं, इनको मैं अलग कर लेती हूँ। और अब इसके अंदर मिक्सिंग बाउल में ये कोको पाउडर है हर्शेज का, देखिए एक चम्मच डाल दिया मैंने, और ये दो चम्मच कोको पाउडर डाला है, और ये बटर है मेरे पास रूम टेम्परेचर पे ही रखा हुआ है, फ्रिज में नहीं रखा हुआ है। फ्रिज का टाइट बटर नहीं लीजिएगा, और इसको पिघालना भी नहीं है गैस के ऊपर। तो ये मैंने दो चम्मच के करीब ले लिया है बटर, ये क्योंकि पिघला हुआ नहीं है तो आपको थोड़ा ऐसे कम लग रहा होगा, ये पूरा दो चम्मच है। और अब इसके अंदर मैं ये चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ। चॉकलेट सिरप भी मैं दो चम्मच ही डालूँगी, ये एक चम्मच डाल दिया। और ये एक चम्मच और डाल रही हूँ, और चम्मच से तो ये मिक्स होगा नहीं मिक्सचर, तो मैं हाथ से ही इसको मिक्स करूँगी। हाथ से ही हम डो बनाएंगे। सारा मिक्सचर इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और डो को हमको थोड़ा लूज बनाना है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइट भी नहीं बनाएंगे। अभी क्रम्बलिंग मिक्सचर हो गया है, क्रम्बल्स आ रहे हैं हाथ में इस तरह से। अब हम ये चार चम्मच के करीब मैंने दूध डाल दिया है, इसको सॉफ्ट डो बनाना है, एकदम टाइट डो नहीं बनाएंगे। और हम देख लेंगे कि अभी मिक्सचर कम डाला है, मिक्सचर में थोड़ा सा दूध और डालेंगे
थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो मैंने 3 चम्मच दूध और डाल दिया है। एकदम सॉफ्ट डो होना चाहिए, एकदम मुलायम आटा जैसे हम गूंद लेंगे। और अगर कम पड़ता है दूध तो थोड़ा सा और डाल लेंगे। अब थोड़ा सा दूध और डाल रही हूँ मैं, क्योंकि हमको चिकना आटे जैसा गूंदना है ना, इसलिए। ये देखिए 4 चम्मच के करीब और डाल दिया और इतना सॉफ्ट हो गया है। मैं आपको हाथ से इस तरह से प्रेस करके बताती हूँ, सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए अलग रख देंगे ढक के, ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। और हाथ में मैंने थोड़ा बटर लगा लिया था। अब ये 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट है, ये नारियल का चूरा है, वो डाल दिया मैंने दूसरे मिक्सिंग बाउल में, क्योंकि हम स्टफिंग बना रहे हैं। और ये शक्कर डाल ली है मैंने, पिसी हुई शक्कर है 1 चम्मच, 2 चम्मच और ये 3 चम्मच। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप 4 चम्मच भी डाल सकते हैं। और ये बटर डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच ही डाल रही हूँ मैं। ये भी रूम टेम्परेचर पे ही है और फ्रिज में रखा हुआ नहीं है, फ्रिज में टाइट हो जाता है ना एकदम। अब थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका भी सॉफ्ट डो जैसा बनाएंगे हम। अभी मैंने 2 चम्मच ही डाला है और हाथ से इस तरह से मिक्स करके देख लेंगे। मक्खन भी मिक्स कर दिया है। और अभी ये क्रम्बल्स हाथ में आ रहे हैं, तो इसको सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा दूध और डालेंगे। दो चम्मच और डाल दिया मैंने। ये मैंने 1 चम्मच शक्कर और डाली है। और इसे मिक्स कर लेंगे इस तरह से, एकदम हाथ में थोड़ा सा सॉफ्ट सा मिक्सचर आना चाहिए। ये आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से बंधने लग जाना चाहिए हाथ में लड्डू जैसे, तब हम समझ जाएंगे स्टफिंग हमारी अच्छी तरह से प्रिपेयर हो गई है। ये देखिए लड्डू जैसा बंध गया है, मैं प्रेस करती हूँ तो। बहुत आसान रेसिपी है। और ये मैंने बटर पेपर लिया है, और बटर पेपर नहीं हो तो आप फॉइल भी ले सकते हैं, और कोई भी प्लास्टिक की शीट भी ले सकते हैं। अब जो डो बन गया है हमारा, उसको इसके ऊपर स्प्रेड करना है। तो ये मैं बटर लगा रही हूँ, अभी दोनों साइड में लगा रही हूँ, ऊपर नीचे दोनों तरफ लगा रही हूँ, और बीच में हम डो रख देंगे। अभी जो हमने आटा बनाया है, गूंदा है, वो रख देंगे और उसको हम बेल लेंगे थोड़ा सा। तो उससे क्या है कि ये चिपकेगा नहीं, और ये बटर पेपर भी है तो अच्छा रहेगा ज़्यादा। अब ये जो डो बनाया है बटर पेपर पे डाल देंगे। ये इस तरह से हाथ से ही फैला लिया अभी तो मैंने। और इसको इस तरह से बंद करके दूसरी तरफ की शीट से और बेल लेंगे, ताकि ये चिपकेगा भी नहीं बेलन के, और स्मूथली रोटी जैसा बन जाएगा। और इस तरह से फैला लेंगे। तो ये इतनी सॉफ्ट मिठाई बनती है फ्रेंड्स।
कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। अभी आप देखना इतनी अच्छी बनेगी। ये देखिए पेपर ऊपर से हटा लिया मैंने और मैं रेक्टेंगल शेप में इसे कट कर लूँगी चाकू से। बहुत इजीली हो जाती है कट। ये जो रोटी बनाई है और थोड़े थोड़े किनारे से इसको अलग हटा के शेप को एकदम रेक्टेंगल कर लेंगे। चारों साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा कट कर लिया है। अब ये जो स्टफिंग बनाई थी इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे। इस तरह से पूरे में स्प्रेड कर देंगे और ऐसे प्रेस कर लेंगे चम्मच से। और किनारे साइड में किनार किनार मैंने छोड़ दिए, वहाँ पे इस मिक्सचर को स्प्रेड नहीं करा है, आप देख सकते हैं। और बटर पेपर को देखिए मैं किस तरह से उठाती हूँ, इसको मैं आगे करती हूँ। बटर पेपर को इस तरह से आगे करेंगे और धीरे धीरे उसको प्रेस करेंगे रोल को, और फिर बटर पेपर पीछे खींचेंगे और फिर उसको रोल को आगे बढ़ाएंगे, फिर बटर पेपर हम पीछे खींचेंगे। अभी प्रेस करेंगे थोड़ा सा ताकि वो टाइटली बन जाए। डो को टाइटली रोल करना है, लूज नहीं रखना है। फिर पीछे खींच लिया बटर पेपर और फिर रोल को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे इस तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे। और फिर देखिए किस तरह से बढ़ा रही हूँ मैं। फिर से पीछे खींचेंगे बटर पेपर और फिर रोल को आगे करेंगे। इस तरह से पूरा रोल टाइटली बना लेंगे और थोड़ा हाथ से इस तरह से प्रेस कर लेंगे। ताकि थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा और शेप अच्छी सी हो जाएगी। और इस बटर पेपर में इस तरह से मैंने आगे से आगे ले जाके रोल कर लिया है। देखिए आप इस तरह से रोल कर लिया है। और इसे 4 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी। और अगर आपको जल्दी हो तो आप 1 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में भी रख सकते हैं। 4 से 5 घंटे में सेट हो जाएगा मिक्सचर। ये देखिए फ्रिज से मैंने निकाल लिया है और ये रोल सेट हो गया है। और धीरे 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 हम बटर पेपर को इस तरह से अलग कर लेंगे। ये देखिए मैंने अलग कर लिया है इसे। अब थोड़ा सा साइड का जो पार्ट होता है उसे कट कर लेंगे। उसे कट करके अलग रख देंगे। दोनों साइड के पार्ट को थोड़ा थोड़ा कट करेंगे। दूसरी साइड को भी कट कर लिया है मैंने। और इस तरह से हम निशान लगा देंगे और आधा आधा इंच की दूरी पे हम इस तरह से कट का निशान लगा के कट करेंगे। स्विस रोल को कट करेंगे। ये देखिए मैं कट कर रही हूँ। और इसी तरह से मैंने पूरा रोल इस तरह से कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मिठाई बनी है। पार्ले जी स्विस रोल बने हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही टेस्टी हैं और इतने सॉफ्ट हैं कि आप देखते रह जाएंगे। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।